फ्री सब्सक्राइब कीजिए जवाबी बाबा चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, रोज पाएं ऑसम नॉलेज वीडियोस। दोस्तों व्हाट्सएप हम सभी यूज़ करते हैं, लेकिन ये बात भी आप जानते होंगे कि व्हाट्सएप में आती है एक बिज़नेस प्रोफाइल भी। तो एक तो लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं अपना पर्सनल यूज़ के लिए, और अगर बिज़नेस के लिए करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का बिज़नेस अकाउंट आता है, और उसके साथ आते हैं कई सारे एडिशनल फीचर्स जो कि बिज़नेस पर्पज़ के लिए लोग यूज़ करते हैं अपने बिज़नेस के लिए। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसे व्हाट्सएप बिज़नेस अकाउंट के फीचर्स जो कि अगर आप चाहें, अगर आप एक बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव व्हाट्सएप यूज़र हैं, तो अपने पर्सनल व्हाट्सएप अकाउंट में भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि एक बिज़नेस अकाउंट लेके आप उसको पर्सनल यूज़ में भी कर सकते हैं। बहुत सारे जो उसके फीचर्स हैं वो तो ज़्यादा किसी काम के नहीं होंगे पर्सनल प्रोफाइल के लिए, लेकिन 3 फीचर्स ऐसे हैं। तो आइए जानते हैं वो 3 फीचर्स कौन से हैं। मेरा नाम है हुसैन, आप देख रहे हैं जवाबी बाबा चैनल। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला फीचर है ऑटोमेटेड अवे मैसेज। ऑटोमेटेड अवे ये एक आंसरिंग मशीन की तरह काम करता है। आंसरिंग मशीन कैसे काम करती है, आप जानते हैं कि आपके पास फ़ोन आया, आप नहीं हैं, आपने एक मैसेज सेट कर रखा है डिफ़ॉल्ट मैसेज, जब भी कोई फ़ोन करेगा उसको वो मैसेज सुनाई देगा। तो इसी तरीके से व्हाट्सएप पर भी आप एक डिफ़ॉल्ट मैसेज सेट कर सकते हैं। अगर आप कभी सो रहे हैं, खा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, नहीं रिस्पॉन्स कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो ये डिफ़ॉल्ट मैसेज ऑटोमेटिकली मैसेज भेजने वाले को चला जाता है कि आई एम अवे एंड आई गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल, और कॉन्टैक्ट मी एट दिस टाइम और बिटवीन दिस टू दिस टाइम। कोई भी डिफ़ॉल्ट मैसेज जो भी आप सेंड करना चाहें। अब ये पर्सनल यूज़ में भी आ सकता है उन लोगों के लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव व्हाट्सएप यूज़र होते हैं, जो चाहते हैं कि जो उनको जब भी कोई भी मैसेज करे तो उसी वक्त फटाफट वो रिस्पॉन्ड कर दें, और अगर वो कहीं बिजी हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे, तो वो इस ऑटोमेटेड मैसेज की वजह से वो एंगेजमेंट चालू रख सकते हैं अपने मैसेज भेजने वालों। तो दोस्तों दूसरा एक ऐसा फीचर मैं आपको बताता हूँ जो कि व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट यूज़ करके आप उसको अपना पर्सनली भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि पर्सनली काम आता है, वो है क्विक रिस्पॉन्स, क्विक रिप्लाई फीचर। क्विक रिप्लाई, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, इसमें क्या होता है कि आप छोटे छोटे कीवर्ड्स पर एक लॉन्ग मैसेज सेट कर सकते हैं, जैसे कि आई विल गेट बैक टू यू लेटर। ये इतना लंबा सेंटेंस, आप इस लंबे सेंटेंस को आप एक छोटे से कीवर्ड्स की लेटर्स पर सेट कर सकते हैं। मान लीजिए स्लैश आई डब्ल्यू एल, तो इसका मतलब हो जाएगा कि जब भी आप ये स्लैश आई डब्ल्यू एल टाइप करेंगे, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई सा भी कीवर्ड लेटर कॉम्बिनेशन आप सेट कर सकते हैं। तो आपके पास ये इसमें फीचर है कि आप कोई भी अपनी मर्ज़ी के कीवर्ड की लेटर कॉम्बिनेशन के साथ एक लंबा मैसेज उसको सेट कर सकते हैं, और जब भी आप वो शॉर्ट हैंड टाइप करेंगे, सो कीवर्ड शॉर्ट हैंड की तरह हो गया, शॉर्ट हैंड टाइपिंग की तरह हो गया, तो जैसे ही वो शॉर्टकट मैसेज आप टाइप करेंगे, लंबा मैसेज सामने वाले को चला जाएगा। ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है कि कई बार लोग हमसे जेनरिक क्वेश्चंस पूछते हैं, जेनरिक बातें होती हैं कि हाउ आर यू, वेयर हैव यू बीन रिसेंटली, व्हाट्स गोइंग ऑन, आई होप यू आर डूइंग गुड। तो कई बार हमको एक वर्ड के आंसर के बजाय एक स्टैंडर्ड सा आंसर देना होता है ताकि सामने वाले को अच्छा सा लगे। तो आपकी मर्ज़ी है, कोई भी एक डिफ़ॉल्ट सा मैसेज आप सेट करके रख सकते हैं और जल्दी से उसको भेज सकते हैं। तो ये आपका व्हाट्सएप यूज़ को ज़्यादा एक्टिव बना देता है, ज़्यादा एफिशिएंट बना देता है। तीसरा एक ऐसा फीचर जो कि काफ़ी हमारे यूज़ को हो सकता है, वो है ऑटोमेटेड ग्रीटिंग मैसेज। तो ये ग्रीटिंग ऑटोमेटेड अवे वाले मैसेज से अलग है। ऑटोमेटेड ग्रीटिंग में क्या होता है कि कई बार जैसे ही आपके पास किसी का मैसेज आया, तो कई बार आप उसको ग्रीट करते हैं कि होप यू आर डूइंग फाइन, हाउ आर यू डूइंग, ऐसे करके आप कुछ भी एक ग्रीटिंग करते हैं जब आप मैसेज स्टार्ट करते हैं। कि कई बार ऐसा भी होता है कि सिर्फ लोगों से टच में रहने के लिए आप उनको ग्रीटिंग मैसेजेस भेजते हैं कि 10-15 दिन हो गए कोई बात नहीं हुई, तो सिर्फ एक ग्रीटिंग मैसेज। तो ये चीज़ आप ऑटोमेट कर सकते हो। तो ये अगेन ये फीचर व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल का है। अगर आपने प्रोफाइल ले रखी है, ये व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट ले रखा है, तो आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें ग्रीटिंग में मैसेज क्या होता है कि आपने आप चाहें तो जब आप इसको सेट कर सकते हैं कि जब भी कोई मैसेज आए इनकमिंग, तो ऑटोमेटेड ये ग्रीटिंग मैसेज चला जाए, चाहे ऑन आवर्स हो या ऑफ आवर्स हो। या फिर आप सेटअप कर सकते हैं कि एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे, कि 10 दिन के बाद, 14 दिन के बाद, अगर कोई अगर इनएक्टिविटी है, अगर ये इनएक्टिव पीरियड है, किसी से बात नहीं हुई है, तो ये ऑटोमेटेड ये ग्रीन ग्रीटिंग मैसेज चला जाए। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल फीचर है। तो ये थे वो 3 फीचर जो कि होते तो व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट में हैं, लेकिन आप उस अकाउंट को अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी चला रहे हैं, छोटा मोटा बिजनेस है, आपके कई व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट्स नंबर्स पे आपने सेट कर रखा है, तो ये 3 फीचर्स ऐसे हैं जो कि पर्सनल यूज़ में भी आ सकते हैं।
तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो व्हाट्सएप के बिजनेस अकाउंट के 3 फीचर्स के बारे में, जो कि अगर आप चाहें तो बिजनेस अकाउंट लेके अपने पर्सनल यूज़ में भी ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। मैं इस तरीके के वीडियोस बनाता रहता हूँ, आगे आपको और वीडियोस मिलेंगे। फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कर लीजिए अगर अब तक लाइक नहीं किया है, और अब मुलाकात होगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू वेरी मच।